जीवतन तुम्हारा है, तुम हो पास बास के ये चमन तुम्हारा। मैं आज एक ऐसे घर में मौजूद हैं जो कि पूरा घर म्यूजिकल इंडस्ट्री है। बेटी गाती है, सिंगर है, बाप इनके राइटर हैं, इनको गाने लिख के देते हैं, भाई तबला नवाज हैं और मम्मा इनका साथ देती हैं, इनके साथ कोर्स कहती हैं। और ये 7 साल की थी जब से ये इसने सिंगिंग शुरू की है और खुदावन के फजल से ये सब कुछ कर लेते हैं बच्चे। लग जा गले के फिर ये हसी रात हो ना हो। लेकिन माँ बाप की एक ख्वाहिश यही होती है कि हमारे बच्चे अच्छा काम करें, अच्छी पोस्ट पे आएं और एक उनका अच्छा लेवल हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बास के ये चमन तुम्हारा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल बज। नाज़रीन, मैं आज एक ऐसे घर में मौजूद हैं जो कि पूरा घर म्यूजिकल इंडस्ट्री है। बेटी गाती है, सिंगर हैं, बाप इनके राइटर हैं, इनको गाने लिख के देते हैं, भाई तबला नवाज हैं और मम्मा इनका साथ देती हैं, इनके साथ कोर्स कहती हैं। ये पूरा घराना मिलकर गाना गाता है और समा बांध देता है। आइए इनसे जानते हैं और पाकिस्तान के डिफेंस डे पर ये पाकिस्तान के शहदा को ट्रिब्यूट भी पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप छोटी सी हैं, कैसे हारमोनियम बजा लेती हैं? बस मुझे शौक है, मामा पापा की सपोर्ट से सारा कुछ। अच्छा, आप कितने साल की थी जब से आप सीख रही हैं? मैं 7 साल की थी जब मैंने गाना स्टार्ट किया और उसके बाद अब 3 से 4 साल हो गए हारमोनियम प्ले करते। अच्छा, अब आपकी उम्र कितनी है? अब मेरी 17। 17 है। और कौन सी क्लास में है आप? मैट्रिक। अच्छा जी, मुझे ये बताएं आपकी छोटी छोटी उंगलियां हैं, आप कैसे तबला बजा लेते हैं? बस ये मेरे उस्ताद की कमाल है। उस्ताद का कमाल है। आपकी उम्र कितनी है? 13 साल। 13 साल है और आप ऐसे बजा रहे थे जैसे आपका 13 साल का तजर्बा है। कितना दिन में कितना टाइम सीखते हो? 2-3 घंटे बाद बजाता हूँ, फिर उसके बाद शाम को उस्ताद आते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद सबक सुनाता हूँ, फिर अगला लेसन लेता हूँ। अच्छा, आपकी बाजू जो है छोटी छोटी हैं, जब बजाते हो थकते नहीं है बाजू? नहीं थकते। हाँ जी, आप बताएं मैम, आपके बच्चे माशाल्लाह टैलेंटेड हैं, तबला बजा रहे, हारमोनियम है और आपके आपको शोहर भी राइटर मिले हुए हैं, आप बच्चों को कैसे इनक्रेज करती हैं, ये आपसे कितना मोटिवेट होते हैं? बहुत ज़्यादा, जैसे इनको कहते वैसे ये करते हैं। और बेटी भी बहुत अच्छी है और ये 7 साल की थी जब से ये इसने सिंगिंग शुरू की है और खुदावन के फजल से ये सब कुछ कर लेते हैं बच्चे। ये पढ़ाई में कितना वक्त देते हैं और ये इंस्ट्रूमेंट पे कितना ध्यान देते हैं? इनको शौक है, ये ज़्यादा वक्त देते हैं पढ़ाई में भी और सीखने में भी, गाने बजाने में, इनको सब कुछ शौक है। अच्छा, कभी आपने इनको रोका नहीं है कि आप ज़्यादा स्टडी पे फोकस करें? कभी कह भी देती हूँ कि आप स्टडी भी करो, ये भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी। हाँ जी, जो रिश्तेदार वगैरह आते हैं आके देखते हैं बच्चे माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं, क्या कह के जाते हैं? वो खुश होते हैं, कहते हैं कि अच्छा अपने बच्चों को अच्छा सिखा रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है, बच्चों को सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जी जी, नाज़रीन इनके राइटर से भी बात करते हैं जो कि गाना लिखते हैं तो आगे दास्तान चलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, मुझे ये बताएं आप कब से लिख रहे हैं, आपने बच्चों को ट्रेंड किया हुआ है, माशाल्लाह सारा घर ही आपने म्यूज़िक इंडस्ट्री बना के रख दिया है। सर, मैंने ये 2020 में स्टार्ट किया, ये खुदा की तरफ से बस एक गिफ्ट था। तो 14 अगस्त आ रहा था तो मैंने किसी से लिरिक्स मांगे कि मेरी बेटी उन्हें गाए, लेकिन वो मुझे मिले नहीं। फिर ऐसे हुआ कि मैं शाम को घर में बैठा हुआ था तो मैंने एक नगमा लिखा जो काफ़ी हिट हुआ पिछले साल, मेरा देश पाकिस्तान, मेरी जान मेरी पहचान, और बेटी ने ही गाया। तो उसके बाद बस फिर चल सो चल काम चलता रहा
और आगे आगे बढ़ते रहे। अभी हमने एक और मिली नगमा लिखा हुआ है जो 6 सितंबर के लिए था, तो उसका हमने शूट करना था, उसका ऑडियो हमारा बिल्कुल तैयार है। अच्छा, वोकल उसका तैयार है आपके पास। अच्छा, एक गाना कितनी देर में लिख लेते हैं आप? ये जब बैठते हैं तो 15 मिनट भी लग जाते हैं, 10 मिनट भी लग जाते हैं। किसी वक्त ऐसे होता है कि जैसे बनी बनाई लिस्ट तैयार जेन में आ जाती है तो फौरन ही लिखा जाता है। सारा दारोमदार आमद पे है, आमद पे है। अच्छा, मुझे नाज़रीन इनका ये कहना है कि 14 अगस्त पे इन्होंने अपनी बेटी के लिरिक्स के लिए किसी से गाना लिखवाने के लिए कहा, उन्होंने लिख के नहीं दिया, इन्होंने खुद लिखा। हम ये गाना सुनना चाहेंगे, मिली नगमा इन्होंने लिखा हुआ है, वो हमें सुनाएं। मेरा देश पाकिस्तान, मेरी जान मेरी पहचान, मेरा देश पाकिस्तान, मेरी जान मेरी पहचान, इसके लिए वार देंगे हम सब अपनी जान। मेरा देश पाकिस्तान, मेरी जान मेरी पहचान, मेरा देश पाकिस्तान, मेरी जान मेरी पहचान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। ये बताएं कि आप ज़्यादा सुनती किसको हैं? आपकी आवाज़ बड़ी कोयल जैसी है। लता जी को सुनती हैं। लता जी को सुनती हैं, उनके गाने भी सुनती हैं। कौन सा गाना फेवरेट है सबसे? लग जा गले से। लग जा गले से, वो मैं आपसे सुनना चाहूँगा, इसके बगैर सुनाना है। लग जा गले के फिर ये हसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में। वाह, बहुत अच्छा। स्कूल में जाती हो, वहाँ पे मुकाबले में भी हिस्सा लेती हो जब सिंगिंग कंपटीशन होता है? जी बिल्कुल लेती हूँ। तो जीत के आती हो? जी बिल्कुल। अच्छा, वो जो आपकी सहेलियाँ हैं वो फरमाइश नहीं करती कि आज हमें ये सुनाओ, आज हमें ये सुनाओ? जी वो क्लास में जब फ्री हो तो फिर ऐसे करते हैं। कैसे करते हैं? अच्छा, जो आप सीखती किससे हैं? आपने कोई म्यूजिक एकेडमी ज्वाइन की है, कैसे सीखती हैं? जी मेरे जो दादा उस्ताद हैं वो उस्ताद तलत हिदायत हैं, और उनके बाद मेरे को टीचर हैं उस्ताद आसिफ वारिस, और अभी वो थोड़ा इन डेज में बिजी हैं अपनी जॉब में, तो इसलिए फिर उस्ताद कामरान यूसुफ हैं, वो मुझे आके टीच करते हैं। अच्छा, घर में ही आके सिखाते हैं इधर? तो कितने घंटे की क्लास होती है? 2 आवर्स की। अच्छा जी, 2 घंटे की। 2 घंटे की। जब ये सीखती हैं, अपने स्कूल का काम भी करती हैं, आपको गुस्सा तो आता होगा कि घर का काम नहीं कर रही मेरे साथ? नहीं, कभी करवा भी देती है, कभी मैं कहती हूँ कि सुरु जाओ आप मेरे साथ करवा दो, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, बच्चों को टाइम देना चाहिए। हाँ। पढ़ाई में भी देना चाहिए और क्लासेज होती हैं उसमें भी देना चाहिए बच्चों को। अच्छा बच्चे, मुझे ये बताओ तबले में किसको फॉलो करते हो? उस्ताद अशरफ प्रेमी। उस्ताद अशरफ प्रेमी को करते हो, वैसे ही बजाने की कोशिश करते हो? जी। और पाकिस्तान लेवल पे जाना है? जाना है? शर्मा क्यों रहे हो? नहीं। जब ऐसे तबला बजाते हो, कितने लोगों के सामने बैठ के तबला बजाया? काफी लोगों के सामने बजाया। अच्छा जी, पाकिस्तान डिफेंस डे आगे आ रहा है, 6 सितंबर है, योम दिफा है, शहदा ने कुर्बानियां दी थी पाकिस्तान की, तो आप हमें कुछ सुनाएं, उनको ट्रिब्यूट पेश करें। ए पुत्र हटाते नहीं विक दे, ए पुत्र हटाते नहीं विक दे, की लब दिए बीच बाजार कुड़े, देने मेरे दाता दी, ए देने मेरे दाता दी, नाए में टकरा मार कुड़े। माँ बाप की तो ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे अच्छे लेवल पे जाएं, बेशक वो कोई भी उनका प्रोफेशन हो, सिंगिंग है, पढ़ाई है, इसके अलावा जो भी है, लेकिन माँ बाप की एक ख्वाहिश यही होती है कि हमारे बच्चे अच्छा काम करें, अच्छी पोस्ट पे आएं और एक उनका अच्छा लेवल हो। जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, आपने देखा, हमने आपकी मुलाकात ऐसे घराने से कराई जो कि म्यूज़िक इंडस्ट्री है, फुल पैकेज है, एक ही घर में आपको सारे टेस्ट मिलेंगे, तबला, हारमोनियम, राइटर, और ये इनको इनकरेज करती हैं और साथ में इनका हौसला बढ़ाती हैं। आपने नन्ही सिंगर का इंटरव्यू देखा, इनको प्यार दें, इनको मोहब्बत दें, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। तारीख की सबसे बड़ी टेलीथॉन, पाकिस्तान के अंदर भी हमारे सारे लोग इसमें शिरकत करें और खास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी। सबसे बड़ी लाइव कवरेज, हर खबर बोलने दी नाजरीन को सबसे पहले।
तमाम रिकॉर्ड्स। तारीख रकम कर दी, बोल एक बार फिर नंबर वन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।